हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है सभी को? मेरा नाम है अभिजीत सिंह। तो पहले माहौल बना हुआ है तो दो चार पोइट्री सुना देता हूँ मैं भी। कि मौत में जहाँ ढूंढते रहे, मौत में जहाँ ढूंढते रहे, माशूका में हम माँ ढूंढते रहे। और करते रहे उम्र भर नादानियाँ, उसकी नाम में हम हाँ ढूंढते रहे। और कोई हिंदू है यहाँ तो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है यहाँ तो कोई मुस्लिम है, और हम इंसान में इंसान को ढूंढते रहे। कि वो जहर में भी जिंदगी घोल देती है जब वो अपने सुर्ख लबों से मेरा नाम बोल देती है। जब उसे मुझे बांधना होता है ना, तब वो अपनी जुल्फें खोल देती है। तो ये मेरा पहला ही स्टैंड अप है। मैंने इससे पहले पोइट्री शोज किए हैं कि पहला ही स्टैंड अप है, तो साथ दीजिएगा। और उससे पहले ये शेर है कि मसखरे मजाकिए यूं ही नहीं पैसे कमाते हैं, मजाकिए यूं ही नहीं पैसे कमाते हैं, जो नहीं हंसते ये उन्हें भी हंसाते हैं। अच्छा, भाई ने बहुत दर्द भरा सुनाया। कहाँ है भाई? इससे पहले दर्द भरे गाने भी नहीं, ऐसे गाने भी चल रहे थे। मतलब अब हंस देना यार, उसके बाद ज़्यादा दुखी मत हो जाना। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो सिंगल हैं? नहीं, वो ठीक है, पट्टी नहीं वाले नहीं पूछ रहे हैं। जो हक से सिंगल हैं, जिनसे पट्टी नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। तो अपन ना गंगोर सिंगल हैं, अपन ना गंगोर सिंगल हैं। अब गंगोर सिंगल क्या होता है ये बता देते हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो बियर वगैरह पीते हैं, अल्कोहल? कोई नहीं, सब शरीफ हैं। अरे झूठी ऑडियंस है भाई। हाँ, वो सच्ची हैं। हाँ, तो उसके ठेके पे लिखा होता है, बाहर आप पढ़िए, उसके ठेके पे लिखा होता है ना कि बियर महा ठंडी बियर, फिर आती है घंगोर ठंडी बियर। ये सिंगलपन का थर्ड लेवल है, घंगोर सिंगल। लिख लो, टेस्ट वगैरह में काम भी आ सकता है, यूपीएससी में तो वो जाकिर भाई कह चुके थे। ठीक है, तो अपन ना इतने सिंगल हैं, क्या बताएं। मतलब हमारे से किसी ने आज तक रिलेशनशिप की एडवाइस मांगी है तो उसका रिलेशनशिप खत्म ही हुआ है, और इसमें मेरा रिकॉर्ड 100% है। अगर कोई कहता है भाई मेरी बंदी बहुत परेशान कर रही है, ऐसा है वैसा है, मैं सीधे कहता हूँ खत्म करो। हमने मान लिया, मान लिया, फिर बेड़ा गरक ही होना है। तो अच्छा, लड़कियाँ ना इस मामले में बड़ी, उनको यूनिटें बहुत ज़्यादा पता होती हैं। जैसे कि आई कैन नॉट बी योर गर्लफ्रेंड, आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड, आई लव यू बट आई लव यू एज अ फ्रेंड। लड़कों को बस 3 यूनिट पता है, क्वार्टर, अद्धी, फुल, और इतने से कुछ नहीं होगा, और मंगा लो। तो क्या है ना, मेरे घर में मेरी मतलब ऐसा है कि इतने सिंगल हैं कि घर वालों को भी अब पता चल चुका है कि हाँ, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता है इस मामले में। तो घर वाले ताने देते हैं, आप लेट उठो, ऐसे ऐसे। मेरे घर में ऐसा है कि आपने कहा कि मम्मी टिंडे नहीं खाएंगे, तो वो कहती है ना, तेरी वाइफ आएगी तब देखेंगे नहीं खाएगा। हमारे यहाँ होता है कि ऐसे शुरू होता है, मम्मी कहती हैं कि तेरी वाइफ आएंगी, मैं उल्टा कह देता हूँ, अभी से आप ऐसा कर रहे हो, कल को पापा रिटायर होके आएंगे, तब आप दोनों मिलके क्या करोगे मेरे साथ। अभी एक दिन पापा ने मोबाइल मांगा, कहा लॉक खोल के दो, देखते हैं। पापा देख रहे, पापा एक घंटे बाद लौट के आए, कहते तेरे मोबाइल में कोई लड़की से बात नहीं होती तेरी, किसी से भी, कल्लू प्लम्बर, पप्पू कसाई, इस नाम से भी कोई नंबर नहीं सेव हुआ है। फिर पापा कह रहे, अच्छा ये कौन सा फैमिली ग्रुप है जिसमें मैं नहीं ऐड हूं? पापा कह रहे, कौन सा ऐसा फैमिली ग्रुप है जिसमें मैं नहीं ऐड हूं? इसमें क्या लिखा है, मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, ये कौन लोग हैं, और ये दिन भर गालियां क्यों देते रहते हैं?
और इनके बस दो ही डायलॉग क्यों हैं कि दारू पीने चले सिगरेट पीने चले, इसमें ये क्या डिस्कशन चल रहा है। अब पापा को कौन बताए, अभी उसने मेरे दोस्त ने मना कर दिया एक दिन, कह रहा मैं बेटा नहीं हूँ मुझसे मत बोला करो, फिर उसे बागवान दिखानी पड़ी मुझे बैठाल के। अब जब उसे पैसे उधार चाहिए होते हैं तो वो मुझे तारे जमीन पे दिखाता है बैठाल के। अच्छा ऐसा है ना, दोस्त होना भाई जिंदा होने के लक्षण जैसा है, जिनके दोस्त हैं वो लोग जिंदा हैं। तो कुछ लोग नहीं मूवी देखते हैं तो उसके कैरेक्टर में रह जाते हैं, मूवी देखी तो उसी के कैरेक्टर में रहते हैं। तो मेरे दोस्त ने अभी मूवी देखी, उसके बाद वो कैरेक्टर में रह गया। तो एक दिन रात में उसका फ़ोन आ रहा है, कहता भाई, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है मैं MBA छोड़ दूंगा मुझे BA करना है। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ, किसी ने रैगिंग वगैरह की कॉलेज में, क्या हुआ है, क्यों परेशान है, या किसी बंदी ने कुछ करा है, कुछ हुआ है क्या? तो कहता है नहीं भाई, मैंने आज BA पास देखी, अगर BA पास में ये सुविधाएं मिलती हैं तो मुझे नहीं करना है अभी। तो एक दिन मैं ऐसे सो रहा था, तो कहता है ये बाहुबली देख रहा है बैठे, इसने दोनों बाहुबली देख ली है एक साथ, अब इसके चढ़ गया है। रात में मैं सो रहा हूँ, 2 बजे लात मारते मेरे, उठो उठो, मैंने कहा क्या, कहता है बोलो महाराज की जय हो। मैंने कहा सो जाने दे, कहता है नहीं आज से जब भी मैं तुम्हें दिखूं तुम कहोगे शिवम बाहुबली की जय हो। मैंने कहा शिवम नाम के साथ बाहुबली जचता ही नहीं, अब कल को कोई पप्पू बाहुबली लगाएगा कैसा लगेगा। तो कहता नहीं पहले बोलो तब सोने देंगे। मैंने कहा ठीक है महाराज की जय हो, मैं सो गया। सुबह मैं ऑफिस के लिए रेडी था, ये सो रहा था, मैंने इसके लात मारी, कहता क्या, मैंने कहा महाराज की जय हो। हाँ मतलब कभी कभी ना लोग कहते हैं कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी गलतियों से भी इंसान हो जाते हैं। क्या वही है, तो ठीक है शो इतने ही रखते हैं, एक दो पोएट्री और सुना देता हूँ बस एक दो। मन है कि दर्द छुपाया जा सकता है, हाल बताया जा सकता है, और तुमसे मिलकर हमने जाना चांद को पाया जा सकता है। कि एक अजब सी मदहोशी पनप रही है, एक अजब सी मदहोशी पनप रही है, क्या तेरी चूड़ी खनक रही है, और हो रही है मेरे दिल में छम छम जैसे तेरी पायल छनक रही है, और छुआ है जब से उसने मुझको, छुआ है जब से उसने मुझको, तब से मेरी शर्ट महक रही है, और ले रहा हूँ मैं उसमें सांसें, ले रहा हूँ मैं उसमें सांसें, वो मेरे दिल में धड़क रही है। थैंक यू।